we met. Your eyes so blue, mere piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright. हे गाइज, वेलकम बैक टू द अवर न्यू व्लॉग। आई एम मिस्टर शांतनु। आज और एक नया दिन और सॉरी हे गाइज, वेलकम बैक टू द अवर न्यू व्लॉग। आई एम मिस्टर शांतनु। तो कैसे सब लोग? अपकॉसली बढ़िया होंगे। सो आज का सीन कुछ ऐसा है, मैं तेलंगाना में आया था ना, मामा के गांव। सो यहाँ पर एक तेलंगाना में बसंत नगर में सीमेंट फैक्ट्री, केशवराम सीमेंट फैक्ट्री करके, वहाँ पर बिरला शक्ति सीमेंट बनता है। तो वहाँ पर जो ऑफिसर्स लोग रहे थे, स्टॉप कॉलोनी करके है कॉलोनी में, जो क्वार्टर्स वगैरह दिए रहे थे ऑफिसर्स के लिए रहने के लिए, वो कॉलोनी बहुत बड़ी है, वहाँ पर देखने लायक बहुत कुछ है। तो उसको देखने जा रहे हैं अभी मामा के साथ। मेरे मामा जी भी मेरे साथ है, स्कूटी से आए हम, इलेक्ट्रिक स्कूटी से। और यहाँ पर आहन भी है, चाचा के लड़का। हाय बोलो। हाय। और मेरे साथ ये अपना पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं, लव भी है, प्रेम भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को, बहुत मज़ेदार होने वाला है। हम तेलंगाना स्टेट में आए हुए हैं, ये देखो यहाँ पर रैली वगैरह, तो बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पर ट्री और फॉरेस्ट टाइप बहुत रहता है, बहुत बड़े झाड़ी, बड़े बड़े पेड़ रहते हैं। यहाँ पर देख ही सकते हैं कितना ऑक्सीजन और कितना हरियाली है। ऑटो भी यहाँ पर जा रहे हैं, तो देखते अंदर जाके क्या क्या दिखने वाला है हमें। तो लास्ट तक बने रहे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते व्लॉग। सो ये देखो यहाँ पर स्टाफ कॉलोनी का ये एंट्रेंस गेट है, यहाँ से इंटर करेंगे हम ये पूरा। और यहाँ पर भी कुछ, ये देखो हॉर्स का स्टैचू बनाया है, स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर, सब कुछ। यहाँ से आए हम, यहाँ पर बस स्टॉप जाता है वो, वहाँ पर एलिफेंट, सेव नेचर, मेक फ्यूचर। और यहाँ पर ये जो गेट दिख रहा है, ये अंदर कंपनी की तरफ जाता है, और कंपनी में जो काम करते हैं ऑफिसर्स वो यहाँ पर रहते, यहाँ पर क्वार्टर से उनके। तो चलिए इंटर करते और मजा आएंगे। सो यहाँ पर SBI स्टेट बैंक है, ये देखो ये पोस्ट ऑफिस है, ये इधर लेफ्ट में, यहाँ से कॉलोनी का रोड जाता है। चलिए हमें कॉलोनी में जाना है इंटर। सो यहाँ पर ये फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट लोकेशन। ये देखो इस टाइप पत्थर का कुछ किया हुआ है, पुराना है बहुत, उसके ऊपर मंकी है। तो अंदर जाके देखते किस टाइप का है यहाँ पर। यहाँ पर अंदर रहने के लिए ऐसे गुफिया करके बनाए, गुफा करके बनाए यहाँ पर। तो चलिए यहाँ से निकलते, यहाँ पर कुत्ते बैठे हैं, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे। चलो चलो चलो। यहाँ पर फ्रंट में ही अजंता गेस्ट हाउस है, यहाँ पर कोई बड़े गेस्ट आए तो यहाँ पर रहते हैं। ये देखो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ है, ऑक्सीजन, नेचर बहुत ही अच्छा है, ठंडा मौसम है, बिल्कुल अच्छा लगता है यहाँ पर। और तेलंगाना में हर तरह भी पेड़ ज़्यादा लगाते हैं, महाराष्ट्र में उतना दिखते नहीं। बसंत नगर को अभी तक 7-8 साल हो गया है, अवार्ड आया है, ग्रीनरी का अवार्ड आता है, ग्रीनरी का अवार्ड। हाँ, पेड़ पौधे से भरा, इसलिए अवार्ड भी आ चुका है बोले। अच्छी बात है पेड़ लगाना। एक इंजीनियर का गेस्ट हाउस है। A few moments later. और स्टैचू बनाए गए बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के। ये बसंत नगर इज ग्रीन, कीप इट क्लीन, ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ से वहाँ पर रास्ता जाए उधर इधर, तो यहाँ से आगे जाएंगे। बंदर, बंदर देखो इधर, लाल वाले बंदर रहते, रेड वाले, ये सब कुछ क्वार्टर से अलग अलग। और ये आ गया है कला भवन, यहाँ पर मंदिर टेंपल वगैरह है। हो जाओ तुझे। ये देखो यहाँ पर कला भवन और टेंपल का एंट्री गेट है ये वाला। यहाँ पर हम पार्किंग कर चुके हैं स्कूटी को और अंदर जाएंगे, देखते हैं। यहाँ पर खेलने के लिए कला भवन, यानी यहाँ पर कोई प्रोग्राम्स वगैरह होते रहते हैं। ये देखो खेलने, छोटे बच्चों को खेलने के लिए भी है, झूले वगैरह। हाँ, यहाँ पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट साल भी एक बार होता रहता है, बड़ा टूर्नामेंट रहता है यहाँ पर।
और ये टेम्पल है आगे, और ये बास्केटबॉल का है, ये दो राउंड वाले, ये दो बास्केटबॉल का है। सो यहाँ पर जो प्रोग्राम होते वो स्टेज है, और हमारा इंडियन फ्लैग, ये देखो इंडियन फ्लैग, जय हिंद। ये समय ओपन रहता है, 6 बजे से, हाँ 6 बजे से ओपन होता है, अभी बंद है ये। अभी तो हम दोपहर के यानी कि 11 बज रहे सब शायद, हम मॉर्निंग में ही चले आए एक्सप्लोर करने के लिए। तो पीछे देख रहे मेरे, ये स्विमिंग पूल है। करीब मैं 4th क्लास में था तब मैं स्विमिंग यहाँ पर यानी मंचिराल को मैं पढ़ता था हिंदी मीडियम, तब यहाँ पर आया था मैं, तो यहाँ पर स्विमिंग क्लासेस लगाया था मैंने। इसी स्विमिंग पूल में मैं करीब 1 ही महीना आया मैं स्विमिंग करने के लिए, फिर मेरी तबीयत बिगड़ गई तो मैंने छोड़ दिया, पर आया था इसी स्विमिंग पूल में। अभी ये बंद है फिलहाल, तो बंद है, हाँ इसीलिए बंद है ये। ये देखो ये पूरा ऑडिटोरियम है, अंदर भी बड़ा हॉल है यहाँ पर, ये देखो अंदर से हॉल हॉल है ये, यहाँ पर अंदर कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होते रहते हैं, ऑडिटोरियम पर शाम को चालू होता है ये, अभी बंद है। सो ये शिव जी का मंदिर है, यहाँ पर एंटर करते देखते आपको दिखाते। Few moments later. So, ये बालाजी टेम्पल है, इसके अंदर जाके देखते हैं। ये सीढ़ियाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी चढ़ सकते, ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ पर भी भगवान बैठे हुए, ये देखो तिरुपति बालाजी, और यहाँ से ये डायरेक्ट दिखता है इंटर का, ये देखो अंदर का। तो यहाँ पर गणपति के सीज़न में गणपति और दुर्गा के सीज़न में दुर्गा बैठती है बड़ी वाली, इसके अंदर अभी ये फिलहाल बंद है। और मैं जब आया था तब यहाँ पर बड़ी दुर्गा बैठती थी, यहाँ पर बीच में स्टेज रहता था, बहुत बड़ी दुर्गा बैठती थी 10 दिन के लिए, तो हम देखने आते थे वहाँ पर। हम पहले मामा के क्वार्टर पर रहते, हमको भी क्वार्टर दिया था पहले वहाँ पर, तो वहाँ से देखने के लिए यहाँ तक आते थे हम, बहुत मज़ा आता था, बहुत प्रोग्राम वहाँ पर, ऑर्केस्ट्रा वगैरह रहता था सब कुछ, ये पूरा ग्राउंड पूरा भर के था पब्लिक से। I look at you and it's easy to see. You are the someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me. यहाँ पर सब टेम्पल हम घूम लिए, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर पेड़ बहुत है ना, इसलिए ऑक्सीजन और ठंडी हवा आती रहती है, नेचर बिल्कुल क्लियर रहता है, धूल वगैरह कुछ नहीं, अच्छा है यहाँ पर, इसीलिए ज़्यादा पेड़ लगाओ, अच्छा होगा, ऑक्सीजन मिलेगा, अच्छी छाव मिलेगी, हवा ठंडी मिलेगी। पर जो ये पीछे दिख रही है फिटनेस सेंटर है, जिम, और ये शाम को ओपन होता है ये वाला फिटनेस सेंटर। तो प्रेम तो साइकिल से है और हम इलेक्ट्रिक बाइक से। बाय अंकल, बाय। वो भी हमारे अभी सब्सक्राइबर हो चुके हैं। कौन से पेड़ है? बरगद का, बरगद के पेड़ है बड़े वाले। यहाँ पर ये बंगला है,
यहाँ पर एक छोटा सा पूल है, यहाँ पर पानी अभी भरा नहीं है, नहीं तो फूल रहता तो। और ये ऐसे ऐसे चलेंगे तो अच्छा लगता। और यहाँ पर शिव जी की मूर्ति है, यहाँ पर ये देखो स्टैचू, ये स्टैचू है यहाँ पर। और यहाँ से जाएंगे हम, यहाँ से जाएंगे हम, अच्छा लगता है। यहाँ पर जब पानी ज़्यादा रहेंगे तो मज़ा आता है, अभी पानी नहीं है, सूखा सूखा है। और ये कुछ बैठने के लिए बना है बड़ा सा राउंड राउंड। चलो आन, चलो चलो जल्दी आओ। से सीधा देखे तो फ्रूट गार्डन का गेट है, वहाँ पर सब फ्रूट के पेड़ पौधे हैं अंदर, और पर वो गेट बंद है, देखते हैं अभी कैसी नहीं, यहाँ से निकल रहे हैं अभी। ये फ्रूट गार्डन है, चालू है पर एंट्री नहीं मिलेगी। चलो यहाँ कैंटीन है, यहाँ पर अभी ये शायद नहीं चालू होगी, नहीं बंद है शायद, स्टोर है, कैंटीन स्टोर केशवराम कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। और यहाँ पर हम स्कूल की तरफ आ चुके हैं। देखो ये स्कूल का बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर ये स्कूल है, स्कूल का नाम है इंडिया मिशन सेकेंडरी स्कूल। और ये 50 ईयर्स गोल्डन जुबली 1968 to 2018 महात्मा गांधी 50 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर टॉप स्टूडेंट के रैंक दिए गए हैं इंडिया मिशन सेकेंडरी स्कूल। और ये स्कूल अभी चालू है, ये देखो अंदर से। और यहाँ पर हमारे मामा जी पढ़ चुके हैं 1st to 10th standard तक, हमारे मामा जी यहाँ पर ही पढ़े थे, ये कंपनी का स्कूल है। और अभी ये चालू है, अभी 12 बजने को जा रहे हैं, अभी इसका टाइम पता नहीं मुझे कब चालू होता है कब बंद होता है, मामा जी को पूछेंगे अभी जाकर। मामा जी यहाँ पर आपने 1st to 10th standard तक पढ़ा है ना? हाँ, यहाँ पे स्कूल में LKG से 10th standard तक है पूरा। LKG से? LKG से मतलब नर्सरी से 10th class। ये अभी टाइमिंग किस कौन सा है इसका? मॉर्निंग सवेरे 9 to 4 4:30 तक चलता है। अभी ये स्कूल पूरा 50 ईयर्स कम्प्लीट हुआ है, गोल्डन जुबली। हाँ, यहाँ पर लगा है गोल्डन जुबली, गोल्डन जुबली कम्प्लीट हुआ है, 50 साल का सक्सेसफुली कम्प्लीट हुआ है 1968 से 2018 तक, यानी टोटल 54 ईयर्स कम्प्लीट हो चुके हैं वहाँ पर बैनर पर लिखा है। वो हिसाब से 2018 तक 50 ईयर्स कम्प्लीट हुआ है, अभी ये 4 साल ज़्यादा 22 में है ना, अभी 54 ईयर्स कम्प्लीट हुआ है सक्सेसफुली। और ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, फुटबॉल कोर्ट है वहाँ पे, वॉलीबॉल कोर्ट है वहाँ पे, थ्रो बॉल कोर्ट है ये वाला, यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है सब। और ये ग्राउंड पूरा अभी नियरली 1000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अभी स्कूल में। हाँ, 1000 लोग बच्चे पढ़ रहे हैं नर्सरी टू 10th standard तक। चलो यहाँ से जा सकते ना आगे, घूम सकते क्या उधर? वहाँ आगे उधर नहीं घूम सकते, अभी प्रोहिबिटेड एरिया है, इवनिंग कंप्लीट होने के बाद 5 बजे के बाद में परमिशन रहता है। हाँ, परमिशन ये जो गेट बांधा हुआ है या डोरी बांध के खोल देते हैं, आफ्टर 5 o'clock हम अंदर। तो ये देखो लुंगी लगा के, तो ये देखो लुंगी लगा के छोटे भैया लुंगी बॉय। अभी ये कॉलोनी के बाहर निकल रहे हैं हम, ये गेट आ गया। अब यहाँ पर बिरला शक्ति सीमेंट बनता है, ये देखो देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो अभी वॉल कंपाउंड बना है पूरा, यहाँ ये पूरा डियर पार्क है। हाँ, इसके पहले जाली था, यहाँ से सब कुछ व्यू देख सकते थे, जो हरिन है यहाँ तक आते थे पास में, पर अभी ये पूरा पैक हो चुका है, नहीं तो आपको ये वो भी दिखाता था। तो थैंक यू, धन्यवाद, तेलुगु में लिखा है, इंग्लिश में और हिंदी में। यहाँ पर हम घर पर पहुँच चुके हैं, अभी मामा जी गाड़ी को पार्किंग लगा चुके हैं अंदर। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते ऐसे कुछ अलग व्लॉग में आपके साथ और एक नए इंटरेस्टिंग के साथ। यहाँ पर अभी
10 तारीख को फंक्शन है, प्रोग्राम है, तो 10 तारीख तक यहाँ पर ही रहने वाला हूँ। आज तो 4 तारीख है ना, तो बने रहिए। सो बाय गाइस।